हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो MySQL को लेकर के है। MySQL के कुछ डेट और टाइम के फंक्शंस हैं, आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस भी हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ओपन करते हैं MySQL को और उसी पर हम आज का ये पूरा टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले MySQL का जो पासवर्ड है वो आप डाल दीजिएगा और MySQL में इन हो जाइएगा, यानी इन हो चुके हैं, देख सकते हैं ये हम आ गए MySQL के अंदर। अब यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं जो कि न्यूमेरिक फंक्शन है। जैसे यहाँ पर अगर हम मॉड यूज करते हैं तो मॉड का मतलब आपने एक्सेल में भी जाना है, एक्सेल में भी आप जानते हैं कि मॉड का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर जो बताता है उसे हम मॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं। तो अगर मैं मॉड लिखता हूँ, 11 लिखता हूँ और यहाँ 2 लिखता हूँ तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, यानी रिमाइंडर 1 बचेगा, तो वही कहलाता है मॉड्यूलस। ठीक है, तो यही मॉड्यूलस कहलाता है। और अगर यहाँ से टर्मिनेट करके और एंटर करते हैं तो यहाँ पे 1 ही आपको आंसर में मिलता है। अब एक्चुअल में हुआ क्या, ये कैसे 1 आया उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन बराबर मन में रहेगी आपके कि आखिरकार 1 आया तो आया कैसे। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसे आया। तो सबसे पहले यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर ये है 11 और 11 को किससे डिवाइड किया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 11 को 2 से डिवाइड किया जाएगा। अच्छा, 2 से डिवाइड किया जाएगा तो होगा क्या, 2 5 जा 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, ये हो गया 5 और यहाँ पर आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10, और जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और यही कहलाता है आपका मॉड्यूलस या मॉड। ठीक है, तो यही यहाँ पर 1 आ रहा है, देख सकते हैं, क्लियर है ना ये। इसके बाद जो दूसरा फंक्शन है ये भी एक न्यूमेरिक फंक्शन है जो कि पावर है, तो पावर का मतलब जानते ही हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम सेलेक्ट स्टेट, जो यहाँ पे स्टेटमेंट है सेलेक्ट, उसको यूज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पावर, पावर फंक्शन का यूज कर रहा हूं और 3 पे पावर 3, 3 जा 9 और 9 जा 1, यही आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं यहाँ पर इसको टर्मिनेट करके एंटर करता हूँ, सॉरी 3 जा 9 और 9 जा 27 होगा, 81 नहीं होगा, तो यहाँ पे 27 ही आ रहा है, क्लियर है। अब 3 × 3 × 3 तो 3 जा 9 और 9 जा 27, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आप राउंड का यूज कर सकते हैं, SQRT का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको SQRT यूज करना है तो आप यहाँ सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कीजिए और सेलेक्ट लिख करके और यहाँ लिखिए SQRT। SQRT का मतलब होता है स्क्वायर रूट, क्या मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो अगर 26 के स्क्वायर रूट की बात करें तो यहाँ पे ये देखिए 26 लिखा हमने और यहाँ पे जैसे ही टर्मिनेट करके एंटर करते हैं तो ये 26 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट आपने निकाला है तो 2 के स्क्वायर रूट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट और सेलेक्ट लिख करके और यहाँ पे देंगे पावर POWER और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 देना है और यहाँ पे टर्मिनेट करना है, एंटर करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक मिनट, SELECT सेलेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे SQRT लिखेंगे और यहाँ 2 दे देंगे और यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे और एंटर करेंगे, तो देखिए 1.414 इस तरीके से करके आ रहा है, इसके बाद एक और है करेंट डेट। अब ये डेट एंड टाइम वाला है तो यहाँ पे करेंट डेट CUR, यहाँ पे करेंट डेट देंगे तो सेलेक्ट लिख करके लिखेंगे, SELECT सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे क्या देंगे करेंट डेट CURDATE, करेंट डेट हो गया। ठीक है, CURDATE करेंट डेट हो गया, ब्रैकेट को ओपन करेंगे फिर क्लोज करेंगे और क्लोज करके देन यहाँ से टर्मिनेशन देके एंटर करेंगे, तो देखिए ये करेंट डेट बता रहा है, आज का करेंट डेट है 2024 ईयर है, 6 मंथ है और यहाँ पे 23 तारीख है, तो जो है वो बता रहा है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद जो बात करते हैं हम वो डेट की बात करते हैं, करेंट डेट के बाद हम डेट की बात करेंगे, तो सेलेक्ट लिखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे देंगे डेट DATE और फिर यहाँ पर क्राइटेरिया मेंशन करना होगा, यानी कि 2024। ठीक है, और ये सिंगल टेट कॉमा के अंदर रहेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा ये सिंगल टेट कॉमा के अंतर्गत रहेगा, तो ये हो गया 2024, फिर यहाँ पे मंथ कौन सा है 6 है, फिर यहाँ पे 23 तारीख है,
अब इसको बंद करेंगे और बंद करके और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करके टर्मिनेशन देके एंटर करेंगे तो वही डेट यहाँ पे प्रिंट होती हुई नजर आएगी आपको, ठीक है। तो ये डेट फंक्शन बताया मैंने। फिर यहाँ पे आप मंथ आप कर सकते हैं, यानी मंथ को एक्सट्रैक्ट करके ये देगा। यानी अगर आप यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट, ठीक है, और सेलेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, मंथ लगाएंगे फंक्शन एम ओ एन टी एच, तो ये हो गया मंथ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे 2024, ठीक है, डैश देंगे। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी दीजिएगा तो सिंगलटेन कॉमा के अंतर्गत रहेगा, तो ये 2024 हो गया, डैश देंगे और यहाँ पे 6 मंथ होगा और यहाँ पे 23 तारीख होगा, इस सिंगलटेन कॉमा को क्लोज करके फिर यहाँ टर्मिनेशन देके एंटर करेंगे। तो देखिए ये सिर्फ मंथ को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यानी 6 मंथ को ये बता रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एक फंक्शन है नाउ, NOW, तो यहाँ पे सेलेक्ट लिखेंगे इस तरीके से और सेलेक्ट लिख करके और फिर क्या करना है, NOW देना है, NOW, ये नाउ दे दिया हमने और नाउ देकर के यहाँ से टर्मिनेट कर दीजिए, एंटर आप कर सकते हैं। तो आज का डेट और टाइम दोनों बता रहा है, करेंट डेट और टाइम दोनों यहाँ पे शो करेगा। समझ में आई होंगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा MySQL से रिलेटेड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।